हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और आज मैं आपके साथ इसी रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे रेकॉन के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो रहे हैं इस एग्जाम में, उनकी प्रोफाइल के बारे में भी। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस रिजल्ट का आउटकम क्या क्या था। तो अगर आप देखें तो टोटल 511 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, आउट ऑफ विच 161 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि वेटेज मिला है सिविल इंजीनियरिंग को अप्रॉक्सली 31%। मैकेनिकल में 136 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि वेटेज मिला है 26.6% का। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इक्वल हैं अप्रॉक्सली, तो आप कह सकते हैं 21% का वेटेज दोनों ही स्ट्रीम्स को मिला है। अगर आप सिविल की बात करें दोस्तों, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इस बार थोड़ा सा वेटेज कम मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग फील्ड को डिपार्टमेंट्स देखते हुए नोटिफिकेशन में, और वो ही हुआ। रेकॉन ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। कट ऑफ जैसा यूपीएससी ने बोला है कि 15 डेज के अंदर अंदर डिक्लेयर कर देंगे विथ ऑल द स्टूडेंट्स की मार्कशीट के साथ, तो थोड़ा और हमें इंतजार करना पड़ेगा कट ऑफ देखने के लिए। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ थोड़ी सी हाई ही जाएगी क्योंकि वैकेंसीज कम आई है। अगर आप देखें 161 का ब्रेकअप, तो 83 सीट्स जनरल को मिली है, यानी कि 51% जनरल कैंडिडेट्स हैं। 49 सीट्स ओबीसी को मिली है, यानी कि 30% सीट ओबीसी को मिली है और बाकी 20% एससी और एसटी ने शेयर किया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स ऐसे ही कम होगी, तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। स्लोली एंड स्लोली यूपीएससी में सीट्स ज़्यादा आएंगी और सिविल इंजीनियरिंग को भी अच्छी सीट्स मिलने वाली है, लेकिन इस साल थोड़ा सा कम रहा है और काफ़ी स्टूडेंट डिसअपॉइंट रहे होंगे 161 का मार्क देख के, क्योंकि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 180 टू 200 वैकेंसी इन सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपके लिए एक सीट भी अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में है तो वो आपके लिए है। इस तरह की तैयारी आप लोग करिए। अब हम बात करते हैं रेकॉन के स्टूडेंट्स की जो कि सेलेक्ट हुए हैं इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में और उनकी प्रोफाइल की। दोस्तों, रेकॉन इज ए ओनली प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन जो आपको घर बैठे तैयारी करा रहा है और आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आप चाहें तो सब्जेक्ट की तैयारी करें, पूरे गेट की तैयारी करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करें या किसी टॉपिक की तैयारी करें। आप छोटे से छोटे चीज की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। इन सभी स्टूडेंट्स ने रेकॉन की इस फैसिलिटी का फायदा उठाया एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आइए वन बाई वन इनकी सबकी प्रोफाइल में आपको दिखाता हूं और साथ में आपको एडवाइस करूंगा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें www.rcaonline.in, या आपको कोई भी डाउट आए कि किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेकॉन में नंबर वन पे है रैंक 5 ऋषभ दत्त। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 2018 में पास आउट हुए हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और इनकी स्ट्रक्चर और फ्लूइड मैकेनिक्स में कमांड देखने लायक है। ही हैज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड वेरी गुड एटीट्यूड टूवर्ड्स स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। इनकी गेट में 110 रैंक थी और अभी ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आई एम प्राउड टू हैव द स्टूडेंट लाइक ऋषभ दत्त। सेकेंड स्टूडेंट जो रेकॉन के सेलेक्ट हुए हैं, इनका आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, रेकॉन के चैनल में आपको ये वीडियो अवेलेबल है, अंकुर गुप्ता। इनकी ESE में रैंक 13 है, गेट रैंक 130 है। ही हैज ऑल्सो ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। अभी एट प्रेजेंट ये MTech कर रहे हैं IIT दिल्ली से। द नेक्स्ट स्टूडेंट हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम रेकॉन टीम इज रैंक 35 नितेश गोयल। इसके पहले 2017 में भी ये सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू में, लेकिन इंटरव्यू के बाद ये क्लियर नहीं कर पाए। एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग इन रेलवे मिनिस्ट्री का एक PSU राइट्स।
नेक्स्ट आलोक शक्ति रैंक 42, इनका भी वीडियो आपने रेकॉन के चैनल पे जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। गेट में इनकी रैंक 4 थी, प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन IOCL, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि सूनर और लेटर ही विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एंड क्रैक सिविल सर्विसेज ऑल्सो। नेक्स्ट स्टूडेंट 97th रैंक गौरव जोशी, डेडिकेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज की ही तैयारी कर रहे थे, क्रैक भी कर दिया विथ 97 रैंक। नेक्स्ट इज प्रीतम कुमार, गॉट 127 रैंक, गेट में बहुत अच्छी रैंक थी इनकी 107, प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन EIL। एंड लास्ट सागर खींची, इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रैंक आई है 146, वेल डिजर्विंग स्टूडेंट हैं और गेट में बहुत अच्छी 207 रैंक थी, अभी प्रेजेंटली ONGC में वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स रेकॉन के वीडियोस लेके बहुत कुछ सीख रहे हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं। आप दिन में रात में जब इच्छा हो तब अपने लैपटॉप या PC में तैयारी कर सकते हैं। दैट इज द फ्रीडम विच ऑल दीज स्टूडेंट हैव टेकन। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात कहना चाहूँगा जो लोग इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, जो इंटरव्यू में जाके रह गए, उनको मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज डिसअपॉइंट नहीं होइए, देखिए कहां पे गलती हुई है, उस गलती को सुधारिए और अगली बार और जोर शोर से तैयारी करके टॉप 10 टॉप 20 में रैंक लाने की कोशिश करिए। विद डेट फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ।